Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aaj hum jo hai Federal Urdu University aur Karachi Urdu University Karachi University ka jo hai drama ka subject jo hai usko start karne ja rahe hain. Kal humne thoda sa history of English literature se related jo hai wo lecture liya tha taki hame ye pata chale ki ages kya hai. English literature ki different ages ke upar different dramas likhe hue hain aur har age ki apni characteristics hain. Ab dekhte hain ki Hamlet Prince of Denmark, theek hai, ye Denmark ke prince ke upar likhi gayi hai aur ek tragical history hai of Hamlet Prince of Denmark ki, written by William Shakespeare, jo ki usne yahan pe likhi hai. Let's see who is the William Shakespeare, by the great, written by William Shakespeare the great, Hamlet. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शेक्सपियर कौन था. शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टेडफोर्ड अपॉन एवन वॉरविकशायर इन 1564. वेरी लिटिल इज नोन अबाउट हिज फैमिली हिज लाइफ, बट बाय 1592 ही वॉज इन लंडन वर्किंग एज एन एक्टर एंड एज अ ड्रामेटिस्ट. बिटवीन अबाउट 1590 एंड 1630 शेक्सपियर वॉट एट लीस्ट 37 plays and collaborated on several more. Many of these plays were very successful both at court and in the public playhouses. In 1613, Shakespeare retired from the theater and returned to Stratford-upon-Avon. He died and was buried there in 1660. Shakespeare jo hai 1564 mein Stratford-upon-Avon mein Warwickshire mein paida hua aur bahut very little is known about his life. But 1592 में he was in London working as an actor and a dramatist. ठीक है, वो जो है बहुत ज़्यादा शायद उसके बारे में कोई इतना नहीं जानता, लेकिन 1592 में वो एक एक्टर और एक ड्रामेटिस्ट के तौर पे काम कर रहा था लंदन में. और फिर उसके बाद जो है 1590 और 1613 में शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे, एटलीस्ट 37, और कोलेबरेट किया ऑन सेवरल मोर. यानी कि उसने बहुत ज्यादा एक शेक्सपियर का बहुत ज्यादा रोल है इंग्लिश लिटरेचर में, और बहुत से इनमें से प्लेस थे जो सक्सेसफुल हुए बोथ एट कोर्ट और पब्लिक हाउसेस में. 1630 में उसने थिएटर से वो रिटायर हो गया और फाइनली उसकी डेथ हुई 1616. व्हाई शेक्सपियर रोट हैमलेट, उसने क्यों लिखी. फॉर मनी शेक्सपियर वॉज प्रोफेशनल प्ले राइट एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑनर ऑफ द थिएटर. शेक्सपियर जो है वो एक प्रोफेशनल प्ले राइट था और पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ थिएटर भी था. ऑडियंसेस वांटेड न्यू प्लेस, नॉट रीरन्स, सो इट बेनिफिटेड द थिएटर कंपनीज एंड द ओनर्स टू हैव अ प्रोलिफिक प्ले राइट एज पार्ट ऑफ कंपनी. व्हाट वाज शेक्सपियर इंस्पिरेशन, ऐसी क्या शेक्सपियर की इंस्पिरेशन थी कि उसने हैमलेट को लिखा. Many people think that Shakespeare based Hamlet on the legend of ˈhæmlɪt. There was also an old Elizabethan play named ˈhæmlɪt, which has now been lost. बहुत से लोग ये समझते हैं कि शेक्सपियर की जो हैमलेट है वो बेस्ड करती है लेजेंड ऑफ ऐमलेट पे, और ये भी कहा जाता है कि ओल्ड एलिजाबेथन प्ले था जिसका नेम ऐमलेट था, जो कि अब नहीं रहा या वो अब नहीं, मतलब लॉस्ट हो चुका है. देयर इज थॉट टू बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस इज थॉट टू बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ शेक्सपियर. सम बिलीव दैट शेक्सपियर मे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ हिज ओन सन हैमलेट व्हेन राइटिंग हैमलेट. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसकी शायद अपने बेटे की डेथ हो गई थी जिसका नाम हैमलेट था, और इस वजह से उसने हैमलेट लिखी. हिज सन वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड एंड हिज And as his only son, Shakespeare was probably deeply upset. Suggestions have been made that the grief and loss that Shakespeare was feeling was put into the tragedy. वो grief और loss जो है finally उसने उसमें मतलब उससे एक tragedy बनाई. If मतलब वो मतलब उसको जो है put into the tragedy, यानी कि इस एक inspiration थी कि उसके बाद वो tragedy लिखना शुरू हुआ. आपको पता है जगजीत सिंह का इंडियन एक सिंगर है और वो पोएट भी है जगजीत सिंह, उसके भी बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद की जो उसकी पोइट्री है उसने इंडिया के अंदर एक हॉलमार्क क्रिएट कर दिया. ठीक है, वो जो उसकी एक है गजल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो,
ये शोहरत भी ले लो, ये सारी उसने जितनी भी लिखी, क्योंकि उसकी बीवी भी एक्चुअली शी वाज अ सिंगर, और ये दोनों जो है मियाँ बीवी पोइट्स भी थे, और ये दोनों जो है सिंगिंग भी करते थे, दोनों इकट्ठे गाया करते थे। लेकिन इनके बेटे का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद जो है इसकी बीवी कुछ अरसे के लिए कोमा में चली गई थी, और उसके बाद की जो इसकी पोइट्री लिखी जगजीत सिंह ने, वो बड़ी दुख भरी और दर्द भरी थी। यानी कि उसने ट्रेजिक पोइट्री लिखी जिसने इंडिया के अंदर एक हॉलमार्क क्रिएट कर दिया। सेम इज द केस विद द शेक्सपियर, कि शेक्सपियर की जब बेटी की डेथ हुई ना, तो एक्चुअली जब तक आप उस गम के लेवल में नहीं आते, तो ना तो आप उस तरह की ट्रेजिक पोइट्री लिख सकते हैं, ना ही आप कोई ट्रेजेडी, मतलब एक ड्रामा के अंदर आप ट्रेजेडी क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेजेडी वही बंदा क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर गम बहुत ज्यादा होता है। तो एट दैट टाइम उसके अंदर, क्योंकि जगजीत सिंह के अंदर गम का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, तो उसने जो उस वक्त की जो पोइट्री लिखी, तो वो जो है बहुत, मतलब अभी भी जो आप उसकी देखें, उसके जितने भी पोइट्री आती है, वो सारी की सारी जो है, वो मतलब उसके अंदर गम का एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एक तो रियलिटी एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, फैक्चुअल एलिमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा, दूसरा उसके अंदर जो है ये जो एक गम वाला। और फिर वो उसी पोइट्री को जब गाता है, तो जाहिरी बात है उसने अपने हाथों से लिखी है, तो वो जो लिरिक्स बनाता है, तो दैट्स व्हाई उसके जितने भी सॉन्ग होते हैं वो एक दौर दौर बड़े हिट हुआ करते थे। दैट इज द बेसिक रीजन कि वो जब एक ट्रेजिक इंसान जो है वो एक ट्रेजेडी लिखता है, तो उसको एक हॉलमार्क क्रिएट कर देता है। तो दैट इज द सेम विद द शेक्सपियर। सजेशंस हैव बीन दैट द ग्रीफ एंड लॉस दैट शेक्सपियर वाज फीलिंग वाज पुट इनटू द ट्रेजेडी। तो वो ग्रीफ और लॉस जो था ना, उसने उसको इस ट्रेजेडी में डाल दिया था। सो इफ इट इज स्पेक्युलर, यानी कि वो अब वही ग्रीफ एंड लॉस जो है वो उसने इस ट्रेजेडी के अंदर डाला था, जो कि दुख उसको अपने बेटे की डेथ की वजह से था, वही ग्रीफ एंड लॉस उसने अपने हैमलेट ट्रेजेडी में डाला। सो इट इज स्पेक्युलर दैट ही वुड हैव एक्सप्रेस दीज फीलिंग्स 4 or 5 years आफ्टर हैमलेट डेथ, बट नॉट इन सच प्लेस एंड हेनरी फोर पार्ट वन और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर व्हिच ही रोट शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। In all likelihood, the connection with Shakespeare's son is entirely based on coincidental similarity of the names Hamlet and Hamlet. Characters in the story देख लेते हैं। Hamlet, the prince of Denmark, the title character and the protagonist, about 30 years old at the start of the play. Hamlet is the son of Queen Gertrude and the late King Hamlet and the nephew of the present King Claudius. कैरेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले स्टोरी के अंदर। सबसे पहले मेन जो हमारा कैरेक्टर है वो है हैमलेट। हैमलेट बेसिकली प्रिंस था, शहजादा था डेनमार्क का, जो कि टाइटल कैरेक्टर है हमारे जो ड्रामा है उसका, जो ट्रेजेडी है उसका जो टाइटल भी है वो भी यही है। एंड प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट कहते हैं हीरो को, जिसके कहानी घूमती है उसको प्रोटेगनिस्ट। और प्रोटेगनिस्ट जरूरी नहीं है कि हीरो ही हो, वो हीरोइन भी हो सकती है और कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है। और प्रोटेगनिस्ट कौन होता है, वो जो मेन कैरेक्टर होता है ना, हीरो ऑफ द स्टोरी उसको कहा जाता है। अबाउट 30 years old एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, हैमलेट इज द सन ऑफ क्वीन जर्ट्रूड। और अबाउट 30 years old, जब वो तकरीबन 30 साल का था एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, हैमलेट जो है वो सन था किसका, क्वीन जर्ट्रूड का एंड द लेट किंग हैमलेट। और इसके बाप का नाम भी हैमलेट था, लेट किंग हैमलेट, यानी कि लेट जिसके जो कि मर चुका है हैमलेट, उस किंग का बेटा, इसका नाम भी हैमलेट ही था। एंड जैसे हम हेनरी के बारे में पढ़ते हैं ना, हेनरी 3, हेनरी 4, हेनरी का बेटा फिर आगे हेनरी ही होता था, किंग हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, तो ये भी इसी तरह हैमलेट का बेटा भी हैमलेट ही था। एंड द नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस, और जो अब का प्रेजेंट किंग था जिसका नाम क्लॉडियस था, जो कि इसका चचा था, इसके चचा की फिर बाद में शादी जो है वो क्वीन के साथ हो जाती है, जो कि इसकी अपनी माँ होती है, यानी कि इसके बाप के मरने के बाद इसका चचा जो है वो क्वीन के साथ शादी कर लेता है। हैमलेट इज मेलंकली, बिटर एंड साइनिकल। हैमलेट जो था वो बहुत ज्यादा गम में था, बिटर हो गया था, और साइनिकल शक्की हो गया था, फुल ऑफ हेटर्ड फॉर हिज अंकल्स स्कीमिंग। और उसके अंदर जो है एक, उसके ये जो अंकल यानी कि उसके चचा ने जो स्कीमिंग की हुई थी, उस वो फुल ऑफ हेट्रेड था, कि उसको बस यही शक था कि उसके जो अंकल है उसने कोई स्कीम की है और उसने उसके बाप को शायद किल किया है। एंड डिस्गस्ट फॉर हिज मदर सेक्सुअलिटी, और उसको बहुत ज्यादा वो अपनी मदर से डिस्कस करने लग गया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसके चचा से शादी कर ली थी। आ रिफ्लेक्टिव एंड थॉटफुल यंग मैन हु हैज स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग
Hamlet is often indecisive and hesitant. वो एक reflected और thoughtful young man था जो कि study करता है at University of Wittenberg, लेकिन वो क्या था, often indecisive था, ठीक है, और hesitant भी था. But at the other times prone to rash and impulsive acts. लेकिन दूसरी तरफ वो अचानक से rash भी हो जाता था और impulsive acts भी करता था, जल्दबाज था, जल्दी जज्बाती हो जाता था. उसके बाद जो दूसरा main character है, that is Claudius. ठीक है, King Claudius, इसका चचा Hamlet का. The king of Denmark, Hamlet's uncle, and the play's antagonist. Antagonist कहते हैं villain को, protagonist कहते हैं hero को. The villain of the play, Claudius, is calculating, ambitious politician, driven by sexual appetite and his lust for power. ये जो है villain of the play था, Claudius जो है वो एक calculating और उसके बाद ambitious politician भी था. यानी कि हर चीज पहले वो calculate करता था. वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर जो है वो आप उस पर अमल करो. तो वो थिंक बिफोर यू लीप वाला बंदा था. पहले वो सोचता था और बड़ी कैलकुलेशन के साथ चलता था. मैकियावेलियन था, एम्बिशियस पॉलिटिशियन था और उसके अंदर जो है एक सेक्सुअल एपेटाइट थी. एक्चुअली वो क्वीन से कहीं अपनी जवानी के अहद से बड़ी मोहब्बत किया करता था. एंड हिज लस्ट फॉर पावर, और उसके अंदर एक लस्ट थी फॉर पावर. यानी कि वो जो उसका भाई बैठा हुआ था उस तख्त पे, उसको वो तख्त बड़ा खूबसूरत लगता था और उसके अंदर एक लालच थी कि किसी तरह ये तख्त उसको मिल जाए. बट ही ओकेजनली शो साइंस ऑफ गिल्ट एंड ह्यूमन फीलिंग. लेकिन ओकेजनली वो साइंस ऑफ गिल्ट और ह्यूमन फीलिंग जो है वो शो करता था. इज लव फॉर जर्ट्रूड फॉर इंस्टेंस सीम्स इनसिंसियर. और उसका जो लव था जर्ट्रूड फॉर इंस्टेंस, वो जो है बहुत ज्यादा सिंसियर था. यानी कि जर्ट्रूड से अपनी बीवी से, यानी कि क्वीन जर्ट्रूड से जो कि हैमलेट की माँ थी, उससे वो बहुत ज्यादा सिंसियर था. फिर उसके बाद देखते हैं जर्ट्रूड, ये हैमलेट की माँ थी और जो है क्लॉडियस की बीवी थी. द क्वीन ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स मदर, रिसेंटली मैरिड टू क्लॉडियस. अभी रिसेंटली उसने शादी की थी क्लॉडियस से. जर्ट्रूड लव्स हैमलेट डीपली, अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी. बट शी इज अ शैलो वीक वीमेन हु सीक्स अफेक्शन एंड स्टेटस मोर अर्जेंटली देन मोरल रेक्टिट्यूड और ट्रुथ. लेकिन वो एक शैलो और वीक मोरल की जो है खातून थी, जिसके अंदर जो है अफेक्शन यानी कि दिखावा और स्टेटस उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था. मोर अर्जेंटली उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था देन मोरल रेक्टिट्यूड और ट्रुथ, उसके मोरल रेक्टिट्यूड या उसके ट्रुथ से कहीं ज्यादा. तो इस वजह से उसने भी जो है क्लॉडियस से शादी की थी. उसके बाद देखते हैं पोलोनियस, द लॉर्ड चैम्बरलैन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट, अ पॉम्पस कन्निविंग ओल्ड मैन. पोलोनियस इज द फादर ऑफ लर्टस एंड ओफेलिया. ओफेलिया जो है हैमलेट से मोहब्बत करता था, ठीक है, और ये फादर किसका था, लर्टस मतलब ओफेलिया का भाई, और ओफेलिया इनका जो है वो बाप था. लेकिन ये थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर दिखाया है, कनिविंग ओल्ड मैन था. और आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो है ना क्लॉडियस का जो है एक तरह से चीला समझ लें, या उसके उस तक हर तरह की बात वो पहुंचाता था अगेंस्ट हैमलेट, जासूस समझ लें. अच्छा जी, होरेशियो, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड हु स्टडीड विद द प्रिंस एट द यूनिवर्सिटी इन विटनबर्ग. हैमलेट का क्लोज फ्रेंड था जो कि प्रिंस के साथ पढ़ता था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग. होरेशियो इज लॉयल एंड हेल्पफुल टू हैमलेट थ्रू आउट द प्ले. After Hamlet's death, Horatio remains alive to tell Hamlet's story. और Hamlet की death के बाद Horatio जिंदा रहता है ताकि वो Hamlet की story सुना सके लोगों को. उसके बाद Ophelia, Polonius' daughter, a beautiful young woman with whom Hamlet has been in love. Ophelia is a sweet and innocent young girl who obeys her father and her brother, Laertes. ठीक है, पोलोनियस की डॉटर थी, एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन थी जो कि whom Hamlet has been in love, जिससे Hamlet मोहब्बत करता था. ओफेलिया जो है बहुत स्वीट और इनोसेंट यंग गर्ल थी जो कि अपने फादर और अपने ब्रदर लर्टस को बहुत ज्यादा ओबे करती थी. डिपेंडेंट ऑन मैन टू टेल हर हाउ टू बिहेव, वो डिपेंडेंट थी ऑन मैन और कि वो उसको बताएं कि उसको कैसे बिहेव करना है. मतलब टोटली मर्दों पे वो डिपेंडेंट थी कि ओफेलिया को किस तरह से बिहेव करना है. शी गिव्स इनटू पोलोनियस स्कीमिंग टू स्पाई ऑन हैमलेट.
और वो जो है पोलोनियस स्कीम्स का हिस्सा बन गई टू स्पाई ऑन हैमलेट, ताकि वो हैमलेट के ऊपर इल्जाम लगा सके, उसके खिलाफ जाल जो है वो बिछा सके, उस पर कोई जो है उसको फंसा सके. इवन हर हर इन हर लैप्स इनटू मैडनेस एंड डेथ शी रिमेंस मैडनली सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स एंड फाइनली ड्राउनिंग इन द रिवर अमिड इन फ्लावर गार्लैंड शी हैड गैदर्ड. और इसी अपने लैप्स ऑफ मैडनेस और डेथ में वो जो है शी रिमेंस मैडनली, वो पागल हो गई थी सॉन्ग्स का, सॉन्ग सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स, फ्लावर्स सिंगिंग सॉन्ग करती थी. और फाइनली वो उस रिवर के अंदर ड्राउन हो गई थी, डूब गई थी अमिड द फ्लावर गार्डलैंड शी हैज गैदर्ड, उस फ्लावर गार्डलैंड में जो कि उसने गैदर किया था. लोटस पोलिनियस सन एंड ओफिलियास ब्रदर अ यंग मैन हु स्पेंड मच ऑफ द प्ले इन फ्रांस. एक ऐसा यंग मैन था जो ज्यादातर इस ड्रामा के अंदर, प्ले के अंदर वो फ्रांस में रहा था. पैशनेट एंड क्विक टू एक्शन लोटस इज क्लियरली अ फॉयल फॉर द रिफ्लेक्टिव हैमलेट. बहुत पैशनेट और क्विक था टू एक्शन लोटस जो है वो क्लियरली एक फॉयल था फॉर रिफ्लेक्टिव हैमलेट. ठीक है, हैमलेट का ये फॉयल कैरेक्टर था. उसके बाद जो है कैरेक्टर्स, सॉरी फोर्ट इन ब्रास द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे हुज फादर द किंग आल्सो नेम्ड फोर्ट इन ब्रास वाज किल्ड बाय हैमलेट्स फादर आल्सो नेम्ड हैमलेट. ठीक है, ये यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे था जिसका फादर द किंग हुज नेम फोर्ट इन ब्रास, ठीक है, उसके फादर का नाम भी फोर्ट इन ब्रास था, उसको किल कर दिया था पुराने जो ओल्ड किंग हैमलेट था ना, उसने जो है वो जो है उसको किल कर दिया था. नाउ फोर्ट इन ब्रास विशेस टू अटैक डेनमार्क टू एवेंज हिज फादर्स ऑनर. अब फोर्ट इन ब्रास जो है वो चाह रहा था कि वो डेनमार्क के ऊपर जो है अटैक करे ताकि वो अपने फादर का के कत्ल का बदला ले सके, मेकिंग हिम एन अदर फॉल फॉर प्रिंस हैमलेट. वो एक और फॉल कैरेक्टर था हैमलेट का. फिर उसके बाद है द गोस्ट, ये हैमलेट का गोस्ट था. द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट यानी कि ये भूत था किसका, हैमलेट का रिसेंटली डिसीज्ड फादर, जो कि उसके जो है मरे हुए फादर का की रूह थी, उसका भूत था. द गोस्ट हु क्लेम्स टू हैव बीन मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, ये वो गोस्ट था जो कि ये क्लेम करता है कि उसको क्लॉडियस ने मर्डर कर दिया. कॉल्स अपॉन हैमलेट टू एवेंज हिम, और वो जो है हैमलेट को कॉल अपॉन करता है, हैमलेट को बताता है मतलब उसको किसी तरह बुलाता है और उसको बताता है कि वो जो है अब क्लॉडियस से बदला ले, यानी कि वो अपने बेटे को कॉल करता है कि उसका बेटा जो है वो जो है एवेंज ले, किससे, रिवेंज ले अपने चचा से. हाउएवर इट इज नॉट एंटायरली सर्टेन वेदर द गोस्ट इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी और वेदर इट इज समथिंग एल्स. अब ये पूरे के पूरे प्ले में ये सर्टेन नहीं था, ये पक्का इस चीज के बारे में कोई एश्योरिटी नहीं थी कि वेदर ये गोस्ट जो है कि ये किस लिए अपेयर होता है, व्हाट इट अपीयर्स टू बी और whether it is something else, या ये कोई और चीज है या उसका वहम है या क्या है. Hamlet speculates that ghost might be a devil. Hamlet ये speculate करता है, वो ये भी सोचता है कि शायद ये जो ghost है ना ये एक devil होगा sent to deceive him, जो कि उसको धोखा देने के लिए भेजा गया है. And tempt him into murder, और जो उसको tempt कर रहा है कि वो murder करे. And the question of what the ghost is or where is never definitely resolved. और वो जो क्वेश्चन की गोस्ट क्या है और वेयर इट कम फ्रॉम इज वो इज नेवर डेफिनेटली रिजॉल्व, और ये जो है कभी रिजॉल्व हो ही नहीं सका. उसके बाद रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न टू स्लाइटली बम्बलिंग कोर्टियर्स फॉर्मर फ्रेंड ऑफ हैमलेट फ्रॉम विटनबर्ग हु आर समन्ड बाय क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर. ये दो स्लाइटली स्लम्बरिंग कोर्टियर्स थे जो फॉर्मर फ्रेंड्स थे हैमलेट के फ्रॉम विंटरबर्ग, जिनको बुलाया जाता है, क्लॉडियस और जर्ट्रूड उसको बुलाते हैं ताकि वो हैमलेट की ये जो मैडनेस है या उसका ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर है उसको डिस्कवर कर सके. मार्कलस एंड बर्नार्डो द ऑफिसर्स हु फर्स्ट सी द गोस्ट वॉकिंग द रैम्पार्ट्स ऑफ Elsinore and who summoned Horatio to witness it. Marcellus और Bernardo ये दो officers थे जो सबसे पहले जो है ghost को देखते हैं, जो कि ramparts of Elsinore
और में जो है वर्क कर रहा होता है और वो समन होरेशियो टू विटनेसेस जो कि होरेशियो को बुलाते हैं कि तुम इसको देखो मार्कलेस एंड इज प्रेजेंट व्हेन हैमलेट फर्स्ट एनकाउंटर्स द गॉड मास्टर सॉरी मार्कलेस जो है वहां पे प्रेजेंट होता है जब हैमलेट एट फर्स्ट जो है उस गोस्ट को देखता है अब देखते हैं ब्रीफ समरी ऑफ हैमलेट ये तो हमारे हो गए कैरेक्टर्स अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था किंग हैमलेट इज डेड ठीक है किंग हैमलेट जो है उसकी डेथ हो चुकी है क्लॉडियस किंग हैमलेट्स ब्रदर मैरिज क्वीन जर्ट्रूड क्लॉडियस जो है वो किंग हैमलेट का जो भाई है वो क्वीन जर्ट्रूड से शादी करता है द गोस्ट ऑफ द डेड किंग जो गोस्ट है डेड किंग का इन अ सोलोलॉग है प्रिंस हैमलेट द सन ऑफ किंग हैमलेट एंड द क्वीन जर्ट्रूड एक्सप्रेसेस हिज एंगर अगेंस्ट हिज मदर फॉर हर हैस्टी रीमैरिज और इस सोलोलॉग में प्रिंस हैमलेट जो है वो सन ऑफ जो किंग हैमलेट है एंड क्वीन जर्ट्रूड वो एक्सप्रेस करता है हिज एंगर अगेंस्ट हिज मदर फॉर हर हैस्टी रीमैरिज ठीक है और सोलोलॉग होता है अपने आप से बातें करना और सोलोलॉग में ये होता है कि जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ अपने आप से बातें नहीं करता बल्कि वो अपनी ऑडियंस से भी बात कर रहा होता है ठीक है इसको सोलोलॉग कहते हैं कि वो जो है अपनी सोलोलॉग में बताता है जो सन ऑफ किंग हैमलेट है और क्वीन जर्ट्रूड है वो अपना एंगर एक्सप्रेस करता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस अगेंस्ट हिज मदर फॉर हर हैस्टी रीमैरिज कि उसने इतने उसके बाप के मरते ही इतनी जल्दी उसके चचा के साथ जो है वो शादी कर ली तब वो जो है ये हेट्रेड जो है वो मतलब अकेला ही जो है वो ऑडियंस से बात करके उनको बताता है कि भाई मुझे इस वजह से अपनी अपने चचा और अपनी माँ दोनों से नफरत हो गई है द किंग आस्क्ड हैमलेट टू स्टे इन डेनमार्क किंग जो है वो उसको कहता है कि वो डेनमार्क में ही रहे पोलोनियस द किंग्स काउंसलर एंड लर्टस हिज सन वांट्स ओफेलिया पोलोनियस डॉटर अगेंस्ट हैमलेट पोलोनियस जो है वो जो किंग का काउंसलर होता है और लर्टस जो कि उसका बेटा होता है वो ओफेलिया को वॉर्न करते हैं जो कि हैमलेट से मोहब्बत करती है कि वो जो है हैमलेट से मोहतात रहे क्योंकि उनको ये लगता है कि हैमलेट पागल हो चुका है द गोस्ट टेल्स हैमलेट दैट ही मस्ट अवेंज हिज फादर्स मर्डर अब वो जो गोस्ट है वो जो हैमलेट से मिलता है वो उसको कहता है कि उसको उसके फादर के मर्डर का बदला जरूर लेना चाहिए हैमलेट आस्क अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स टू एक्ट अ प्ले दैट शोज इवेंट सिमिलर टू द किलिंग ऑफ किंग हैमलेट इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस एंड जर्ट्रूड हैमलेट जो है वो एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स से पूछता है टू एक्ट अ प्ले ठीक है वो जो है ये है ड्रामा विद इन ड्रामा ठीक है इसके अंदर भी एक स्टेज ड्रामा होगा जिसके अंदर वो शो करता है इवेंट सिमिलर टू द किलिंग ऑफ किंग हैमलेट इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस और जर्ट्रूड कि वो जो है एक किंग की जो है किलिंग शो करें क्लॉडियस और जर्ट्रूड यानी कि वो ड्रामा जो है वो एक्टर्स को कहता है कि तुम ये ड्रामा प्ले करो जिसमें किंग की जो है ना कत्ल जो है वही स्टोरी वो दोबारा से दोहराता है इन फ्रंट ऑफ क्लॉडियस और जर्ट्रूड हैमलेट बिकम श्योर ऑफ व्हाट द गोस्ट टोल्ड हिम और हैमलेट उसमें अब ये श्योर हो जाता है कि गोस्ट ने उसको जो बताया वो बिल्कुल सच है कि जो क्लॉडियस है उसी ने उसके बाप को किल किया हैमलेट वॉन्ट्स टू किल द किंग बट फाइंड्स हिम प्रेइंग वो चाहता है कि वो किंग को किल कर दे लेकिन वो जो है वो देखता है कि किंग तो प्रे कर रहा है He confronts his mother and kills Polonius, who was hiding behind the curtain. वो उसकी जो है उसकी मदर से थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और वो ना Polonius जो के कर्टन के पीछे छुपा हुआ होता है वो उसको किल कर देता है द किंग सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड एंड सेंड रोजेनक्रांट्स एंड गिल्ड्समैन विद हिम गिविंग देम ऑर्डर्स टू किल द प्रिंस किंग जो है हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है और साथ ही उसके रोजेनक्रांट्स और गिल्ड्समैन को भेजता है ताकि वो उसको किल कर दे उस प्रिंस को क्योंकि उसको पता चल जाता है कि किंग को क्लॉडियस को ये पता चल जाता है कि हैमलेट को अब ये पता चल चुका है कि वही उसके बाप का कातिल है ओफेलिया बिकम्स मैड ओफेलिया पागल हो जाती है हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क हैमलेट वापस आता है डेनमार्क क्लॉडियस पुट्स अ प्लान टू किल हैमलेट बाय पॉइजन सॉर्ड इन अ ड्यूअल विद लर्टस क्लॉडियस जो है वो एक प्लान करता है कि टू किल हैमलेट कि वो किल कर दे हैमलेट को बाय द पॉइजन सॉर्ड वो जो सॉर्ड होती है ना उस पे जहर लगा होता है इन अ ड्यूअल विद लर्टस एक लर्टस के साथ जो इनकी आपस में वैसे ही मतलब एक मुकाबला होता है सॉर्ड का
तो उस सॉर्ड के ऊपर वो पॉइजन लगा देता है. ओफिलिया ड्राउन्स इन अ पॉन्ड, ओफिलिया जो है एक पॉन्ड में डूब जाती है. हेमलेट एंड होरेशियो आर एट द ग्रेवयार्ड, हेमलेट और होरेशियो जो है वो एक ग्रेवयार्ड पे होते हैं. अ फनरल कम्स एंड हेमलेट डिस्कवर्स दैट इट इज ओफिलियास कॉफिन. हेमलेट और होरेशियो उस ग्रेवयार्ड ही पे ही होते हैं कि एक जनाजा आता है और हेमलेट ये डिस्कवर करता है ये कि ये ओफिलिया का जनाजा है, ये तो ओफिलिया का कॉफिन है. हेमलेट एंड लर्टेस फाइट, हेमलेट और लर्टेस वहां पे लड़ पड़ते हैं. हेमलेट एक्सेप्ट्स द फेंसिंग कॉन्टेस्ट विद लर्टेस, और हेमलेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है वो फेंसिंग कॉन्टेस्ट विद लर्टेस, यानी कि ओफिलिया के भाई के साथ. हेमलेट एंड होरेशियो आर एट ग्रेवयार्ड ऑफ द किंग ऑफर्स हेमलेट द पॉइजन ड्रिंक. अब वो जो किंग होता है, जब ये दोनों आपस में कहते हैं कि ठीक है हम जो है ना अब महल में ही लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो किंग जो है वो ऑफर करता है हेमलेट को वो पॉइजन ड्रिंक, बट ही डज नॉट टेक इट, लेकिन वो उसको नहीं लेता. द क्वीन ड्रिंक्स इट, वो जो क्वीन होती है वो जो पॉइजन ड्रिंक होता है उसको पी लेती है. हेमलेट इज वाउंडेड विद द पॉइजन सॉर्ड, हेमलेट जो है जख्मी हो जाता है उस पॉइजन सॉर्ड के सॉर्ड से. एंड हेमलेट वाउंड्स लर्टस विद द सेम सॉर्ड, और हेमलेट जो है लर्टस को भी जख्मी कर देता उसी सेम स्वॉर्ड के साथ. एज लर्टस इज डाइंग ही टेल्स हेमलेट दैट किंग इज टू ब्लेम फॉर द पॉइजन स्वॉर्ड एंड द पॉइजन इन द कप. जैसे ही लर्टस मरने लगता है तो वो हेमलेट को बताता है कि किंग जो है उसने उसको कहा था कि वो स्वॉर्ड को पॉइजन कर दे और वो जो कप है उसके अंदर पॉइजन जो है वो मिला दे. हेमलेट स्टैब्स द किंग एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक फ्रॉम द कप. हेमलेट जो है किंग को एक मुक्का दे मारता है और उसको कहता है अब ये जो तुम कप में जो पॉइजन है ये ड्रिंक है ये अब तुम पियो. फोर्टिन ब्रास द किंग ऑफ नॉर्वे अराइव्स विद हिज आर्मी टू कंकर डेनमार्क. उधर से जो फोर्टिन ब्रास है किंग ऑफ नॉर्वे वो वहां पहुंच जाता है विद हिज आर्मी ताकि वो डेनमार्क को कंकर कर सके. हेमलेट अर्जेस होरेशियो टू टेल हिज स्टोरी, ही सेज दैट ही विशेस फोर्टिन ब्रास टू बी मेड किंग ऑफ डेनमार्क, देन ही डाइज. और हेमलेट होरेशियो को कहता है कि मेरी कहानी तुम सुनाना, और वो ये कहता है कि उसकी विश है कि फोर्टिन ब्रास जो है वो डेनमार्क का बादशाह बने और वो मर जाता है. फोर्टिन ब्रास ऑर्डर्स फॉर हेमलेट टू बी कैरिड अवे लाइक अ ब्रेव सोल्जर. फोर्टिन ब्रास जो है वो ऑर्डर करता है फॉर हेमलेट के उसको एक ब्रेव सोल्जर की तरह जो है लेके जाया जाए. अच्छा जी, इसकी की फैक्ट्स देख लेते हैं. फुल टाइटल इसका जो है वो ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ऑथर जो है विलियम शेक्सपियर है. टाइप ऑफ वर्क प्ले है. योनरा इसका ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी. लैंग्वेज इंग्लिश. टाइम एंड प्लेस रिटन लंदन इंग्लैंड. अर्ली 17th सेंचुरी, प्रोबेबली 1600 टू 1602. डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन 1603 इन आ Pirated quarto edition titled The Tragical History of Hamlet, 1604 in a superior quarto edition. Protagonist is का Hamlet. फिर इसकी setting देख लेते हैं. The late medieval period through the play's chronological setting is notoriously imprecise. Settings में Denmark है, foreshadow the ghost which is taken to foreshadow an ominous future for Denmark. टोन इसकी डार्क आयरोनिक मेलनकली है, पैशनेट कॉन्टेम्पलेटिव डिस्परेट वायलेंट. थीम्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन, द मिस्ट्री ऑफ डेथ, द नेशन एज डिजीज्ड बॉडी. ये इसकी थीम्स है. ठीक है, ये बेटा अपने पेपर के ऊपर लिख लीजिएगा. थीम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थीम्स, मोटिव्स और सिंबल, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, थीम्स और सिंबल. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते होते हैं. उसके बाद मोटिव्स देखते हैं. इंसेस्ट, incestuous desire, ears and hearing. Incest कहते हैं माँ से शादी करना, and incestuous desire, ears and hearing, death and suicide, darkness and a supernatural misogyny. Motifs कहते हैं ऐसी objects को जिसके through जो कि symbolically किसी idea को represent कर रही होती हैं. ठीक है, इसके साथ हम सिंबल्स की बात करते हैं. सिंबल्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स यूज की गई हैं एज अ सिंबल वो है द गोस्ट, द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेथ. गोस्ट जो है वो सिंबल है स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेथ का. योरिक स्कल द फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ, और योरिक स्कल जो है वो फिजिकल कॉन्सिक्वेंस था डेथ का.
famous lines jo iski hain, something is rotten in the state of Denmark. This line is spoken by Merculus in Act 1, Scene 4, as he and Horatio debate whether or not to follow Hamlet and the ghost into dark night. The line refers both to the idea that a ghost is in an ominous omen for Denmark and to the larger theme of the connection between the moral legitimacy of a ruler and the health of the state as a whole. The ghost is a visible symptom of the rottenness of Denmark created by Claudius' crime. ये जो लाइन है ये मार्कुलस ने बोली थी एक्ट वन में सीन फोर में, जैसे ही वो और होरेशियो डिबेट कर रहे होते हैं कि उनको हैमलेट को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या द गोस्ट इनटू द डार्क नाइट, वो जो गोस्ट है उसको इनटू द डार्क नाइट उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो वो ये एक बात करते हैं कि समथिंग, वो ये कहता है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. द लाइन refer both to the idea, उस आइडिया को रेफर करती है that ghost is ominous omen for Denmark, कि ये जो ghost है actually ये एक बदशगुनी है Denmark के लिए, और to the larger theme, और अगर larger theme में देखा जाए ये connection है between moral legitimacy of a ruler and the health of the state as a whole. तो ये moral legitimacy एक ruler की और health of the whole state उसका आपस में connection है. गोस्ट जो है वो एक विजिबल सिम्टम है रोटनेस ऑफ डेनमार्क का, क्रिएटेड बाय क्लॉडियस क्राइम. गोस्ट जो है एक विजिबल सिम्टम है जो कि रोटनेस ऑफ डेनमार्क है, जो कि क्रिएटेड बाय क्लॉडियस क्राइम. देखें होता ये था कि जिस भी जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं उसमें ये दिखाया जाता था कि अगर किसी बादशाह का कत्ल हो जाता था ना, किसी ने भी उसका कत्ल किया होता था, जैसे हम ईडिपस रेक्स पढ़ते हैं ना सोफोक्लीज में, उसमें भी किंग लॉयस का कत्ल कर देता है कोई वहां का मकामी बंदा होता है, तो वहां पे एक वबा फैल जाती है जिससे हर बंदा मरना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बादशाह का कत्ल है ना वो एक्चुअली एक बैड ओमन लेके आता है उस पूरी रियाया के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे वो रॉटनेस ऑफ डेनमार्क थी जो कि क्रिएट हो गई थी बाय क्लॉडियस क्राइम. क्लॉडियस ने जो एक कत्ल किया था एक बादशाह का, उसके क्राइम की वजह से वो एक रॉटनेस जो है डेनमार्क में क्रिएट हो गई थी. फिर उसके बाद फेमस लाइन में एक लाइन और भी है, इसके ऊपर अक्सर नोट भी आ जाता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ये जो सोलिलोक्वी है, प्रोबेबली द मोस्ट फेमस स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, इज स्पोकन बाय हैमलेट इन एक्ट 3 सीन 1 line number 58-90. His most logical and powerful examination of the theme of the moral legitimacy of the suicide in an unbearably painful world. Uski most logical or powerful examination of the theme of moral legitimacy of suicide. Ki ek moral legitimacy thi of suicide ek unbearably painful world mein. Jab jo hai Hamlet bahut zyada ek पेन में होता है, बहुत ज्यादा दुख में होता है अपने बाप के मरने के बाद और अपनी माँ की शादी देखने के बाद, तो वो जो है ये फिर बात करता है टू बी नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. इट टचेस ऑन सेवरल ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले. ये जो लाइन है ये और भी सेवरल अदर इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले को शो करती है. हैमलेट पोजेस द प्रॉब्लम ऑफ वेदर टू कमिट सुसाइड एज अ लॉजिकल क्वेश्चन. तो वो पोज करता है इस प्रॉब्लम को इस सोलिलोक्वी में, जब वो अपनी ऑडियंस से बात करता है कि उसको ये कमिट करनी चाहिए सुसाइड एज अ लॉजिकल क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज टू लिव और नॉट टू लिव, क्या उसको जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए. ही देन वे द मोरल रेमिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड डाइंग, और इस तरह से ये मोरल रेमिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड डाइंग के दरमियान एक क्वेश्चन करता है, इज इट नॉबलर टू सफर लाइफ, कि क्या ये नोबल है कि वो इस तरह की एक लाइफ जो है उसको सफर करे जो कि दुख भरी है. फन फैक्ट्स एंड ट्राइविया देख लेते हैं. टू डेट सिंस द बिगनिंग ऑफ द सिनेमा एंड टेलीविजन देयर हैव बीन ओवर 50 प्रोडक्शन फिल्म ऑफ हैमलेट फॉर बोथ द बिग एंड स्मॉल स्क्रीन. टू डेट ओवर 200 वीमेन हैव प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट ऑन द स्टेज. द फर्स्ट फीमेल हैमलेट अपीयरिंग ऑन फिल्म वॉज सारा बार Bernhardt, actress Eve Dunn is believed to be the first Hamlet in ratio. Sarah Siddons on 18th century actress is among the first women ever to play the Den. अब यहाँ पे पीछे देखिएगा, Hamlet जो है आपने ये
द लॉयन किंग कार्टून्स देखे होंगे, दैट इज द सेम मूवी जो कि हैमलेट के ऊपर, किंग लॉयर, इसमें भी किंग लॉयर्स दिखाया गया आपको, ठीक है, आपने देखी है, सबने ही देखी होगी ये जो मूवी थी द लॉयन किंग। तो इसमें आपको पता है कि किंग लॉयर्स को जो है वो इसका चचा जो है वो किल कर देता है, और फाइनली एंड पे जाके जो इसका बेटा होता है वो फिर उसका बदला लेता है ना, ऐसे ही था, तो सेम इज द केस है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, मतलब यही जो हैमलेट की मूवी है, और एक्ट्रेस ईव डन इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट हैमलेट ऑन रेडियो, सारा सिडन्स ऑन 18th सेंचुरी एक्ट्रेस इज अमंग द फर्स्ट वुमन एवर टू प्ले दैट रोल, और सारा सिडन्स जो है ऑन एन 18th सेंचुरी एक्ट्रेस वो अमंग द फर्स्ट वुमन थी जिसने ये जो है एवर प्ले किया इसको। तो ये बेटा आपका आज का जो